जैन दोस्तों, क्या आपके पता है 12वीं पास की ऐसी कौन सी पोस्ट है जी में आपके 70,000 सैलरी मिलत? नहीं है पता? चलो आपको भूपेंद्र वो बता है। SSC स्टेनोग्राफर में 70,000 सैलरी मिलती है, वो भी आपका शुरुआत में 70,000 सैलरी SSC स्टेनोग्राफर में मिलती है। वो कैसे, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। SSC स्टेनोग्राफर, जो SSC है आपका स्टेनोग्राफर, वो आपका दो प्रकार की वैकेंसी निकालता है। पहला है आपका ग्रुप डी का वैकेंसी, दूसरा है आपका ग्रुप सी का वैकेंसी। तो पहले हम ग्रुप डी की सैलरी जान लेते हैं। तो ग्रुप डी में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी 25,500 मिलेगी। ग्रेड पे जो लगेगा आपको 2400 ग्रेड पे लगेगा, और जो शुरुआती सैलरी मिलेगी वो आपकी 25,500 रहेगी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे HRA, DA अलाउंस, TA अलाउंस, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको जो आपकी मिला के जो सैलरी बनेगी ग्रुप डी की, वो 45,000 सैलरी बनेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको 45,000 सैलरी मिलेगी, यहाँ 12वीं पास में आपको सैलरी मिल रही है 45,000। अब समझते हैं ग्रुप सी की सैलरी के बारे में। तो ग्रुप सी में आपको दो प्रकार की ग्रेड पे लगेंगे। पहला है आपका 4200 ग्रेड पे, दूसरा है आपका 4200 ग्रेड पे, दूसरा है आपका 4600 ग्रेड पे। तो 4200 ग्रेड पे में आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलते हैं। कोई डिपार्टमेंट आपको 4600 ग्रेड पे देगा और कोई डिपार्टमेंट आपको 4200 ग्रेड पे देता है। जैसे 4600 ग्रेड पे कौन देगा, वो आपका देगा 4600 ग्रेड पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट देते हैं। तो जो आपका 4600 ग्रेड पे मिलेगा स्टेनोग्राफर का, शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3-4 साल काम करने के बाद इतना सैलरी, शुरुआत का सैलरी बोल रहा हूँ। तो ग्रुप सी का जो आपको सैलरी मिलेगा 4600 ग्रेड पे का, वो आपका जो सैलरी बनेगा 44,000, ठीक है ना। ये 44,000 इन हैंड सैलरी है। इसके अलावा TA, DA, HRA अलाउंसेस जो दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी अलाउंसेस मिला के आपको, महंगाई भत्ता भी मिला के, सभी अलाउंसेस मिला के आपको जो सैलरी बनेगा शुरुआत में 70,000 सैलरी मिलेगा, वो भी 12वीं पास जॉब में, ठीक है। तो ये मौका ना गंवाए। इसके जो ये आपका जो पेपर है वो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है, नवंबर दिसंबर 2023 में, ठीक है। और जो इसके आवेदन की प्रक्रिया है वो 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलने वाली है। तो अभी से आप उसमें तैयारी में लग जाइए, मैं पहले से आपको बता दिया हूँ। ये होगी आपकी सैलरी के बारे में जानकारी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो और अपने दोस्तों तक भेजियो, जी में उन्हें अभी जानकारी हो जाए, क्योंकि 12वीं पास बैठे कोई बंदा नहीं पढ़ पाता तो वो भी पढ़ ले, उनके लाने भी अच्छे हो गए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यार दोस्तों, सपोर्ट करो, अपन भी नए नए चैनल में आए हैं, धूम तो मचानी है। जय हिंद, जय भारत।